हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज प्लैटिना 100ES के बारे में हम लोग बात करेंगे और रिव्यू करने वाले हैं और आप लोगों को इस मोटरसाइकिल के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या आप लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल अच्छी है। तो अगर आप लोग 100cc मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मोटरसाइकिल के बारे में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मोटरसाइकिल के प्राइस के बारे में बता देता हूं। तो 60,307 रुपये का आपका पड़ेगा ड्रम ब्रेक वेरिएंट और 63,898 रुपये का पड़ेगा आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट, यानी इस ये दो वेरिएंट पे आती है। आपको डिस्क का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं ES में, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में। सो इस मोटरसाइकिल के लुक्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स चेंजेस करे गए हैं तो वो आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक हैलोजन सेटअप जो इसका हेडलाइट है और साथ ही साथ ये DRLs के साथ आती है, जो कि डे टाइम में आपके काफ़ी काम आने वाली है। काफ़ी अच्छा रहता है DRLs का होना मोटरसाइकिल में। और इसके इंडिकेटर्स को भी चेंज कर दिया गया है, इसमें काफ़ी स्टाइलिश टाइप के इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्लेक्सिबल है और जिनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज करा गया है कि यहाँ पर आपको हैंडल में नकल गार्ड्स देखने को मिलेंगे, आप हैंड गार्ड्स इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को गर्मियों में इसका मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मदद होगा आपके लिए कि गर्म हवाएं आपके हाथों पर डायरेक्टली नहीं लगेंगे अगर आप ग्लव्स और ऐसे ही अगर चला रहे हैं मोटरसाइकिल। तो ये एक काफ़ी अच्छा टचअप है इस मोटरसाइकिल के लिए। तो ये सब चीज़ें एडवेंचर मोटरसाइकिलों में आती हैं, जो कि टूरिंग पर्पज़ वाली मोटरसाइकिल होती हैं उनमें आती है, तो लेकिन अगर इसमें दे दिया है बजाज वालों ने तो काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल ये गाड़ी और ज़्यादा पर्पज़फुल लगती है। इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग सेटअप मिलता है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर और जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके राइट साइड के स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आप DRL ऑफ भी कर सकते हैं, तो हेडलाइट ऑन हो जाएगा और हेडलाइट ऑफ करोगे तो DRL ऑन हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपका जो हेडलाइट है वो ऑल टाइम चलता ही नहीं रहेगा, जिससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कम्फर्टेक वाली ग्रिप देखने को मिलती है एक्सेलरेटर पर और आपके क्लच साइड वाले में, तो ये एक काफ़ी अच्छी ग्रिप्स मैं कहूँगा, इनको पकड़ने में काफ़ी अच्छा ज़्यादा फील आता है, मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल है, बेहद कम्फर्टेबल है। और इसके मिरर की बात करें तो मिरर भी काफ़ी बड़ा है और इसकी विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और पासिंग का स्विच और टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा। और जो इनकी क्वालिटी है वो एवरेज टाइप की है, ज़्यादा इसमें क्वालिटी नहीं देखी जा सकती है क्योंकि ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। बाकी एंट्री लेवल के हिसाब से इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको फीडबैक काफ़ी अच्छा मिले और इनकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। सो फ्रेंड्स, बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो फ्यूल टैंक बेसिक सा है, उसी तरह का है और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर की है। और यहाँ पर आपको कुछ फ्रेश ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और प्लैटिना की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी अगेन, जो कि आपको दोनों तरफ मिलेगी। और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वालिटी पेंट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक ठाक सा है। और इसके टैंक में आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपको टैंक पैड भी मिल रहा है 100cc की मोटरसाइकिल में। और अगर इसके साइड पैनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अगर इसके टेल सेक्शन की बात करूँ तो टेल सेक्शन में भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 100cc की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और कम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कम्फर्टेक का मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल मोटरसाइकिल है, तो इसी के बेस पर ये डिज़ाइन करी गई है। और इसका ग्रैब हैंडल भी काफ़ी बेहतर है और जो इसकी सीट है वो इसकी लॉन्ग सीट है और काफ़ी वाइड है और इसमें भी कम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है मैं कह सकता हूँ। और पीछे की तरफ आपको बल्ब टाइप का टेल लाइट भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन बेसिक है। और इस मोटरसाइकिल के साड़ी गार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक रबर पैड भी देखने को मिलता है, जो कि आप लेडीज़ वगैरह आराम से बैठ सकते हैं। और जो इसके पीछे वाले फुटरेस्ट हैं वो भी पैडेड वाले हैं, चौड़े वाले पैड इस पे लगाए गए हैं, जिससे पिलियन जो है आराम से अपना पैर रेस्ट कर सकता है और कोई उनको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो यानी अगेन ये कम्फर्ट के लिहाज से इस मोटरसाइकिल में डिज़ाइन किया गया है इसको ऐसा।
और इस मोटरसाइकिल के राइडिंग स्टेंस की बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है अगेन, क्योंकि इसमें आप टोटली अपराइट बैठते हो और सीट भी जो इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये जो साड़ी गार्ड और जो ये पैड वगैरह लगे हैं इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है, काफ़ी कम्फर्ट वाला पैकेज बन जाता है। और इसके सस्पेंसन में मेन चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो फ्रंट सस्पेंसन है वो 135mm का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंसन है, और पीछे का जो सस्पेंसन है वो 110mm का स्प्रिंग टाइप नाइट्रॉक्स सस्पेंसन है, जिसकी वजह से ये बेहद कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। इसमें आपको गड्ढे वगैरह तो बिल्कुल पता ही नहीं चलने वाले, स्पीड ब्रेकर्स भी इवन पता नहीं चलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और इन सस्पेंशंस की वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200mm का है, जो कि किसी भी तरह की सड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसका इंजन है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 102cc का DTSI BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 7.9 PS 7500 RPM पर, और जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 Nm 5500 RPM पर। और ये मोटरसाइकिल आती है 4-speed गियरबॉक्स के साथ, और इसका जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इसमें पेट्रोल ऑन ऑफ और रिजर्व करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल के माइलेज की बात करें, क्योंकि प्लेटिना माइलेज के लिए ही जानी जाती है, तो आपको 65 से 70 kmpl का माइलेज आराम से ये निकाल सकती है। और जो इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड है वो 90 km/h है, और जो इस मोटरसाइकिल में आपको स्टार्टिंग मेथड देखने को मिल जाएंगे तो वो किक और सेल्फ दोनों ही मिल जाएंगे। और इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको हेड में एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा और बड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा, और जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है वो सिमिलर रखा गया है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे गए हैं। और इस इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी इसकी पुलिंग क्षमता काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़, ये इंजन बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, और आपको जो इसका सर्विसिंग वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा एक्सपेंस करने नहीं पड़ेंगे, तो ये एक काफ़ी अच्छा है, मतलब आप भरोसा कर सकते हो इस इंजन के साथ और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको चला सकते हो। तो नो डाउट इसका इंजन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा आपको माइलेज भी निकाल के देने वाला है। और इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ये आती है 2 variant में, डिस्क और ड्रम। तो ये मेरे पास ड्रम वाला वेरिएंट है, तो इसका जो साइज़ है 130mm सामने की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और पीछे की तरफ आपको 110mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि आता है ASB ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, यानी वही CBS सिस्टम के साथ आता है। तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, और इस तरह की मोटरसाइकिल के लिए इतना ब्रेकिंग काफ़ी सफिशियंट होता है। अगर आपको अच्छी और ज़्यादा ब्रेकिंग चाहिए तो आप डिस्क वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। और इस मोटरसाइकिल में टायर प्रोफाइल की बात करें तो सामने और पीछे की तरफ आपको 80/17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि यूरो ग्रिप की तरफ से आता है, और जो इसका रिम का कलर है अब वाइट हो गया है, कभी कभी ब्लैक भी आता था लेकिन इसमें वाइट है, सिल्वरिश कलर का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका लुक और जो जिस हिसाब के पैकेज के साथ ये आती है तो काफ़ी अच्छा है ये मोटरसाइकिल। और इस मोटरसाइकिल की अगर सीट हाइट की बात करें तो 807mm का सीट हाइट है इसका, तो इसमें जो है शॉर्ट राइडर और लॉन्ग टॉल राइडर जो होते हैं वो आराम से इसको चला सकते हैं। और इसका जो वेट है 119kg का वेट है इसका डिस्क वाले वेरियंट का, और 117.5kg का वेट है ड्रम वाले वेरियंट का। और जो ये इसका जो फ्रेम है ये ट्यूबलर टाइप फ्रेम के साथ आती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस मोटरसाइकिल के समरी के बारे में बात करूं तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है इस कैटेगरी में, और ये हर तरह के सड़क के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। अगर आप इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए या अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बेशक ये काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, आप इस मोटरसाइकिल को ख़रीद सकते हो, और काफ़ी लो मेंटेनेंस ये मोटरसाइकिल है और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं और सर्विस नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड।